सो बहुत बहुत स्वागत है आपका द रेड रोज ब्लड हैकिंग कोर्स में। मैं एंड यू को आज बात करने वाले हैं हम वर्चुअलाइजेशन के ऊपर। तो वर्चुअलाइजेशन क्या चीज़ है, चलिए जानते हैं। जैसे कि आपने बहुत सुना होगा वर्चुअलाइजेशन वर्चुअलाइजेशन, तो वर्चुअलाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आपके हार्डवेयर रिसोर्सेज का यूज करके एक वर्चुअल चीज रेडी की जाती है। मतलब कि मान लीजिए जैसे कि आपका VR हो गया, VR हेडसेट जिसमें आप वर्चुअली कोई चीज देख सकते हैं, ऐसे ही कंप्यूटर वर्चुअलाइजेशन में आपका हार्डवेयर का यूज करके एक वर्चुअल सिस्टम रेडी किया जा सकता है। अब इसका यूज क्या है, मेन चीज क्यों इसका यूज है, तो मान लीजिए अगर आपको अपनी लैब बिल्ड करनी है तो उसके लिए आपको बहुत सारे सिस्टम चाहिए होंगे, बट हर बंदा बहुत सारे सिस्टम्स अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए वर्चुअलाइजेशन की टेक्निक के थ्रू वो अपने ही हार्डवेयर रिसोर्स का यूज करके अपने ही सिस्टम में बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग इंस्टॉल कर सकता है एट ए टाइम। तो इसे आप कुछ इस फोटो से समझ सकते हैं, जो कि ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर इस प्रकार का है कि हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन, बट वर्चुअल में हार्डवेयर, वर्चुअलाइजेशन की लेयर और उसके बाद आपका OS ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, उसके बाद एप्लीकेशंस। तो इसमें क्या है कि आपका जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर के ऊपर एक वर्चुअलाइजेशन की लेयर का यूज किया जाता है, वर्चुअल टेक्निक का यूज किया जाता है, जिसके ऊपर आप कितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज ले सकते हैं। तो ये करने के लिए आपको कौन कौन से सिस्टम की जरूरत पड़ेगी वो मैं आपको दिखा देता हूँ, कौन कौन से टूल की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए बेसिकली ये दो मेन टूल है, एक है वर्चुअल बॉक्स और दूसरा है VMware। ये दोनों ही टूल काफी अच्छे हैं, बट जो VMware है वो पेड है और जो वर्चुअल बॉक्स है वो फ्री है। और जो वर्चुअल बॉक्स है वो पुराने सिस्टम को भी सपोर्ट करता है, बट जो VMware है उसमें थोड़े नए सिस्टम पे ज्यादा अच्छा वर्क करता है। अब आप लोग अगर नए सिस्टम है आप, और आप कहेंगे कि भाई VMware तो मैं यूज करना चाहता हूँ बट ये तो पेड है, तो इसकी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। VMware का एक VMware प्लेयर आता है जो कि एकदम फ्री है, जिसे मैं आपको दिखा देता हूँ। VMware प्लेयर ये हमने टैप किया है यहाँ, और यहाँ से आप इजिली डाउनलोड कर सकते हैं VMware प्लेयर को, जो कि एकदम फ्री है। बट इसका यूज आप फिर कोई अर्निंग वर्निंग के लिए नहीं कर सकते, कोई अदर चीजों में, सिंपली बस आप अपना ही ऑफिशियल वर्क के लिए नहीं कर सकते इसका यूज, ये समझ लीजिए। तो ये रहा, ये आप कर सकते हैं डाउनलोड VMware एप्लीकेशन विंडोज के लिए और लिनक्स के लिए। और सबसे बड़ी बात, इसमें सारे टूल वर्क करेंगे आपके। और ये है वर्चुअल बॉक्स, ये भी आप चाहें तो बड़ी इजी तरीके से यहाँ टैप करके डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ आ गई, जिसके लिए भी आपने डाउनलोड करना है यहाँ से कर लीजिए, और एकदम फ्री है। तो बहुत बंदों को नहीं पता रहता कि VMware प्लेयर एकदम फ्री है, तो ये हाँ जी फ्री है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब बात करेंगे हम, आगे चलते हैं थोड़ा। तो अगर आपने ये इंस्टॉल कर लिया तो इसका आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, अगर आपने इंस्टॉल कर लिया तो कुछ इस प्रकार से अपने सिस्टम में कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स ऐड कर सकते हैं, जिसका आप कभी भी यूज ले सकते हैं बड़े ही इजीली तरीके से। तो जैसे कि मैंने काले लिनक्स या अदर अदर ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें इंस्टॉल किए हुए हैं, तो ये मैं आपको बताऊंगा आगे इन्हें कैसे इंस्टॉल करना है।